आज की वीडियो में आपको बताऊंगी डिजाइनर टॉप कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए ये मेरा बैक साइड का ब्लाउज है, इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे डाली है, आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और सेम हम इसी तरह फ्रंट वाले बनाएंगे इसका, देख सकते हैं। और नीचे हम इसके फ्रिल डालेंगे तो देख सकते हैं। इसका हमने कपड़ा लिया सेम, मैं आपको टॉप का साइज बताती हूँ। देखिए इसकी जो लंबाई ली है 14 इंच ली है, तैयार में 13.5 इंच आएगी। ये हम 32 साइज का बना रहे हैं तो डबल शोल्डर में 8 इंच ले लिया और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुट्ठी भी 6 इंच लिए और इसमें 1 इंच की गुलाई थी। ये हमारा फ्रंट है इसलिए इसमें 1 इंच की गुलाई दी है और बैक साइड में हमने 1.5 इंच की दी थी। अब इसमें हम नेक कट करेंगे तो देखिए शोल्डर से 3 इंच ले लेते हैं और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे और इसमें 1 इंच की गुलाई लेंगे। देखिए नीचे में सीधा रखा है और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह हम पूरा सेट करते हुए और ऊपर नेक पे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, फिर साइड से हम पलट देंगे इसमें और फिर हम इसमें लेस लगाएंगे तो देख सकते हैं इस पर हम लेस लगाएंगे इसमें क्रॉस में जिस तरह हमें इसमें लगाएंगे लेस, इसी तरह हम फ्रंट में भी लगाएंगे। और देखिए हमने ये कपड़ा लिया है इसकी हम पट्टी कट करेंगे तो देखिए इस तरह। देखिए इस तरह हमारा ये कपड़ा है, इस साइड हमारी लंबाई में थोड़ा छोटा है और इस साइड हमारा लंबाई में ज्यादा है, देख सकते हैं। इसको हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह यहां हमारा स्ट्रेट होगा। देखिए इस तरह हमने क्रॉस में फोल्ड कर लिया से डबल, अब इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, अब बीच में से भी कट कर लेते हैं। इस तरह मैंने कट कर लिया है तो देखिए यहां से हमने जो उसकी लंबाई ली है 9.5 इंच ली है और देखिए बीच में हमारी 10.5 इंच आई है और देखिए यहाँ पे हमारी 12.5 इंच आई है। देखिए जो हमारा 9.5 इंच था यहाँ पे, यहाँ हम ज्वाइंट कर लेंगे स्ट्रेट और फिर इसमें हम प्लेट डालेंगे पूरे राउंड में बॉक्स प्लेट। देखिए आर्म को हमने फिनिशिंग के लिए हमने 1.5 इंच क्रॉस में पट्टियां कट करेंगे, इस तरह हम डबल फोल्ड करते हुए उसमें फिनिशिंग देंगे हम। देखिए नीचे मैंने टॉप सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग रखा है और पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैं ऊपर सिलाई लगा दी, अब नीचे भी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दिए और साइड से हम पलट देंगे इसे, देखिए इस तरह और पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे हम। देखिए मैं ऊपर नेक भी सिलाई लगा दिए और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई लगा दिए, अब इसमें बॉर्डर लगाएंगे। देखिए इस तरह हम क्रॉस में लगाएंगे, 1/2 इंच अंदर दबा देंगे इसे तो हमारा 1.5 इंच के आसपास तैयार रहेगा बॉर्डर। देखिए इस तरह हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे इसे और इस तरह हम राउंड में फिनिशिंग देंगे इसकी हम। देखिए इस तरह में एक लेयर लगा दी है, अब दूसरी लगाएंगे हम और देखिए बीच में हमारा 2 इंच का गैप आएगा इस तरह।
देखिए इस तरह में दो लेयर लगा दिए, अब तीसरी लगाएंगे हम इस तरह। देखिए हम हाफ इंच नीचे भी कट कर देंगे इस तरह, और बाकी अंदर फोल्ड कर देंगे हम इस तरह। देखिए इस तरह में लेयर लगा दी, एक और लेयर लगाएंगे हम नीचे। देखिए इस तरह हमने तैयार कर लिया सेम इसी तरह। अभी हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इसके हम। देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए, अब आर्म गोल में फिनिशिंग देंगे हम। देखिए जो हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी वो हमने ज्वाइंट कर ली बीच में से, अब फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह हम आर्म गोल में लगाएंगे ऊपर से। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दिए, अब अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह में से। देखिए इस तरह मैंने आर्म गोल में फिनिशिंग दे दी दोनों साइड, देख सकते हैं। अब हम इसमें फिटिंग का मार्क कर लेते हैं अपना। देखिए हमने अपनी फिटिंग का मार्क कर लिया है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में तैयार कर लिया है, अब नीचे फ्रिल तैयार करेंगे हम इसकी। देखिए हमने बीच में दोनों पट्टियां ज्वाइंट कर ली हैं, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए जो हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी नीचे फिनिशिंग देंगे इस तरह हाफ हाफ इंच। देखिए इस तरह मैंने पूरे में नीचे फिनिशिंग दे दी है। देखिए ये हमने 9 इंच पे कट की थी, इस तरह ये हमारी बीच में आएगी, ये हमारा फ्रंट साइड का है। अब मैंने फ्रंट साइड के बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा लिया है, इस तरह हम बीच में रखेंगे। बॉक्स प्लेट डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने फ्रिल डाल दी, देख सकते हैं पीछे साइड हमारी देखिए बड़ी आ रही है, साइड भी देखिए, और बीच हमारी छोटी आ रही है फ्रंट साइड में, देख सकते हैं इस तरह। मैं आपको पीछे का बैक साइड का दिखाती हूँ, देखिए इस तरह। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का है, देख सकते हैं। इस तरह मैं प्लेट भी डाल दी नीचे, तो देख सकते फिनिशिंग दे दी, तो देख सकते कितना सुंदर लुक हमारे टॉप का। देखिए ये हमारा बैक साइड का है, बैक साइड देखिए हमारी लॉन्ग आ रही है फ्रिल, देखिए इस तरह। तो देखिए कितना सुंदर लुक है हमारे टॉप का, इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सा टॉप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।